हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप, मेरा फिर से 100% दो प्रेडिक्शन सही हो गया। उधर ऑस्ट्रेलिया जीत गई और आज इंडियन वुमेन्स टीम पाकिस्तान से हारी भी मैच जीत चुकी है, वो भी एकदम 1000% मेरा प्रेडिक्शन सही हो गया। मैंने कहा था कि 150 से 225 तक रन बनेगा, 149 पे ऑल आउट हो गई थी पाकिस्तान टीम और बड़ी आसानी से हमारी इंडियन टीम ने उसको चेज कर लिया। इस तरह से मेरा 59 प्रेडिक्शन 100% ट्रू हो चुका है 6 मंथ्स के अंदर। मैं हिंदुस्तान का यूट्यूब पर ऐसा पहला न्यूमोलॉजिस्ट हूँ जिसका 59 प्रेडिक्शन 6 मंथ्स के अंदर 100% सही हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक 24 साल में मैंने 50,000 लोगों को जिसको भी दिया है मैंने न्यूमोलॉजी कर, चाहे बेबी नेम न्यूमोलॉजी हो, चाहे न्यूमोलॉजी हो, जनरल न्यूमोलॉजी, क्रिकेट न्यूमोलॉजी, बिजनेस न्यूमोलॉजी, पॉलिटिकल न्यूमोलॉजी, बॉलीवुड हॉलीवुड न्यूमोलॉजी, वो सब परमोटेशन कॉम्बिनेशन सही है। आज मैंने विराट कोहली का भी दिया है वीडियो, जरूर देखिएगा कि विराट कोहली 18 नंबर की जर्सी क्यों पहनता है। आज भी देरी नहीं हुआ है, मैंने प्रूव कर दिया है कि मेरा न्यूमोलॉजी करेक्शन प्रेडिक्शन परमोटेशन कॉम्बिनेशन सब सही है राधे कृष्ण की कृपा से और आगे भी होगा। इसलिए आज ही अपना अपने पूरे परिवार का न्यूमोलॉजी कराइए। वाई ऑनलाइन पेड न्यूमोलॉजी कंसल्टेंसी, क्यों न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराना है, बहुत सिंपल संक्षिप्त वे में आपको बता देता हूँ एक मिनट के अंदर। कि जब आप देखते होंगे कि आप बहुत एफर्ट लेते होंगे, बहुत मेहनत करते होंगे, आपके पास है ना वो सारे रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है ना, उसके बाद भी आपको वो सफलता नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं रुकावट आ रहा है, बाधा आ रहा है ना, बैंक बैलेंस नहीं बन रहा है, वेल्थ प्रॉपर्टी नहीं हो रहा है, विदेश नहीं जा पा रहे है ना, बहुत सारा चीज़ ऐसा चीज़ है, कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना वाली स्थिति हो गई है। भाग्य ही कर्म कराता है। जिस दिन ये समझ लोगे, जितने भी टॉप फाउंडर्स हैं हमारी वर्ल्ड का है ना, सारे उन लोगों का 5,000 लोगों का लिस्ट निकालो और देखो कि वो स्टार्टिंग में वो क्या थे और बाद में क्या बने, फिर भाग्य ने उनको ऐसा साथ दिया कि उन कर्म करने लगे, कर्म से वो करोड़पति अरबपति खरबपति मिलियन बिलियन ट्रिलियन जिलियन में चले गए। बहुत सिंपल है, भाग्य ही कर्म करवाता है। जिस दिन भाग्य ने साथ देना शुरू किया, आपका सारा कर्म उसी हिसाब से होने लगेगा, आप सही ट्रैक पे आ जाओगे और आप रॉकेट की तरह आगे बढ़ते चले जाओगे आसमान की तरफ। इसलिए आज भी देरी नहीं हुई है, कैंसर के थर्ड स्टेज में नहीं आना। जिस तरह से कैंसर के थर्ड स्टेज में आने पर दुनिया का कोई माई का लाल डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, उसी तरह से कोई भी न्यूमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजी आपका इलाज नहीं कर सकता है। इसलिए पहले स्टेज पर आना, जैसे ही समझ में आए कि आप एफर्ट ले रहे हो, आपके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, आप मेहनत कर रहे हो, उसके बाद वो सफलता नहीं मिल रहा है, कोई भी चीज़ बाई चॉइस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आज ही आपको न्यूमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजी कराने की जरूरत है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया हुआ है, पढ़ो समझो, नहीं आता है समझ में मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज छोड़ो, मैं आपको बता दूंगा। अगर वो नहीं कर सकते हो या सिर्फ अपना करना चाहते हो या उसके साथ साथ और लोगों का भलाई करना चाहते हो, लाखों लोगों तक पहुंचना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो, 60,000 मिनिमम से लेके 5 से 15 लाख रुपये पर मंथ, तो न्यूमोलॉजी कोर्स सीख लो मेरे से, एकदम 6,999 इतने सस्ते में सबसे बेस्ट कॉन्टेंट में दूंगा। 7 डेज से लेकर 3 मंथ्स के अंदर, आपके एक्सपर्टाइज के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार आपने न्यूमोलॉजी कोर्स सीख लिया, आप अपना, अपने फैमिली का, फ्रेंड रिलेटिव नेबर्स, लाखों लोगों तक पहुंचोगे। 5 डिफरेंट माध्यम से अपना न्यूमोलॉजी कोर्स खुद का चला सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो, न्यूमोलॉजी पर किताब लिख सकते हो, फ्रेंचाइजी भी दे सकते हो। इस तरह से लाखों रुपये आप न्यूमोलॉजी कोर्स सीखने के बाद कर सकते हो। आज भी देरी नहीं हुई है, आज ही अपने अपने परिवार का न्यूमोलॉजी कराइए। अगर मैरिड हैं तो पहले हस्बैंड वाइफ पहले कराइए, फिर बड़े बेटे बड़ी बेटी का, फिर छोटा बेटा छोटी बेटी का, 1 by 1 कराइए। कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ ही कराना है, अफोर्ड कर सकते हो तो पूरा एक साथ कराइए, नहीं कर सकते तो सबका कराइए, फिर एक एक करके कराइए। और डीप है, पूरे साल का नहीं, पूरे लाइफ टाइम का रिपोर्ट लेने की कोशिश करो Type 3 के अंदर, सो दैट कि एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट जरूर खर्चा होगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी का तीनों रिपोर्ट सब रिपोर्ट आपको मिलेगा। अदरवाइज आपको जो इच्छा लगे वो करो, जो सुरक्षा लगे वो करो, क्योंकि मुझे सिर्फ आपका भाग्य चेंज करना है। मैं चाहता हूँ जीवन में सब लोग सुख शांति, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए और जीवन में सब लोग तरक्की करें राधे कृष्ण की कृपा से। चलिए बताते हैं, कल दो दो मैच है ना T20 का। आज का मैच इंडिया जीत चुकी है, अभी दूसरा बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मैच चल रहा है। जैसा मैंने कहा कि बांग्लादेश का जीतने का संभावना बहुत प्रबल है ना, अगर बांग्लादेश उस हिसाब से बैटिंग करती है। अब देखते हैं कल का मैच का 13 नंबर वैसे बहुत डिफिकल्ट नंबर, हमारे देश में वैसे बहुत लकी नंबर है, वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको 13 को बहुत अनलकी नंबर माना जाता है, 13 नंबर हमारे देश में बहुत लकी, मुझे तो खैर बहुत सूट करता है 13 नंबर, 13 नंबर है ना, क्यों लकी है, लॉर्ड शिवा का नंबर इसकी वजह से लकी है ना। अब देखते हैं मैच 6 मैच 7 है ना। तो सबसे पहले आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड का मैच है कल। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि मैं हमेशा
40 फैक्टर, 33 फैक्टर, 21 फैक्टर, 18 फैक्टर, ये चार फैक्टर मैंने इतने सारे फैक्टर्स लेके बनाता हूँ चार डिफरेंट फॉर्मेट में, तो उसका ये मैच है जो कि इसका स्कोर एपिडेमियोलॉजी का ये है। अब देखते हैं, जैसा कभी ये 18 फैक्टर में, तो 10 प्लस 4 14, तो ये 4 हो गया, तो ये 18 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 6 8 से 14, ये भी 4, तो 4 4 दोनों हो गया, मतलब दोनों कट के बेस पे हमेशा होता है, तो कट यहाँ पे दोनों इक्वल हो गया। अब डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन जीतेगा ना कौन हारेगा, क्या कि इसका मतलब 50-50 हो गया। बट इसके आगे एक स्टेप हम आगे जाते हैं, न्यूमोलॉजी ग्रिड बनाते हैं, रिवर्स ग्रिड बनाते हैं, उससे पता चलता है कि क्या होगा। अब देखते हैं यहाँ का स्कोर क्या है, साउथ अफ्रीका का 10 2 12 6 कट लग गया, और इनका भी वैसे ही 8 6 14 6, 8 4 12 6 18, तो इनका भी इक्वल हो गया ऑलमोस्ट। मतलब इसके बेस पे कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो न्यूमोलॉजी ग्रिड बनाया हमने, है ना, रिवर्स ग्रिड बनाया, तो इससे ये पता लग रहा है कि कल फर्स्ट हाफ में जो भी पहले बैटिंग करेगा, हमने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगा, से फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, इनका एक्सीलेंट इंग्लैंड का ज़्यादा है, इनका कम है, तो ये ज़्यादा है इंग्लैंड इधर, और इधर देखते हैं न्यूजीलैंड का एक्सीलेंट ज़्यादा है। तो अगर कल इंग्लैंड ने, है ना, फर्स्ट हाफ में बैटिंग करे, सेकंड हाफ में बैटिंग करे, मुझे बड़ा चांस लग रहा है कि फर्स्ट हाफ में अगर इंग्लैंड बैटिंग करती है तो रन तो ज़्यादा नहीं बनेगा, 130 से लेकर 175 के बीच रन बनेगा, विकेट भी करेंगे, है ना, कोई एक खिलाड़ी 50 रन बना सकता है, जैसे काज हुआ इंडियन वुमेंस टीम की तरफ से भी, और इधर न्यूजीलैंड की तरफ से भी वैसा ही होगा इधर से, है ना, कि फर्स्ट हाफ में अगर न्यूजीलैंड भी बैटिंग करती है तो पूरा चांस है कि इधर इंग्लैंड का, आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड में इंग्लैंड का जीतने का चांस 60% हो जाएगा, और इधर न्यूजीलैंड का जीतने का चांस 60% हो जाएगा अगर फर्स्ट हाफ में बैटिंग करता है तो। अगर सेकंड हाफ में बैटिंग करता है तो फिर करना बड़ा मुश्किल है, जो कि न्यूमोलॉजी ग्रिड और रिवर्स ग्रिड बता रहा है। फिर क्या कि कट एकदम इक्वल है, दोनों का कट इक्वल है, इसलिए मुझे ऐसा फील होता है कि अगर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड कल अपना अपना मैच में अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है तो 130 से लेकर 175 रन बनेगा, कोई एक खिलाड़ी दोनों तरफ से 50-50 मार सकता है, बड़े आसानी से मतलब ये करने का कोशिश करेगा, जीतने का कोशिश किया जाएगा। तो साउथ अफ्रीका एक बहुत मजबूत टीम है, न्यूजीलैंड भी बहुत मजबूत टीम है, इंग्लैंड बहुत मजबूत टीम है, आयरलैंड अभी नई नहीं आई, लेकिन आयरलैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था अभी पिछले मैचों में, तो हम कह सकते हैं कि इट्स ओके, मैच अच्छा रहेगा, ऐसा भी नहीं कि बुरा मैच रहेगा। बॉलर का भी दिन है, बॉलर का भी दिन है, बॉलर को अच्छा विकेट मिलेगा, और जो फैसला होगा, जैसा T20 ड्रॉ और टाई तो होता नहीं है, तो इसका मतलब है कि जीतेगा जीतेगा, तो इंग्लैंड का जीतने का संभावना इधर, न्यूजीलैंड जीतने की संभावना 60% है अगर फर्स्ट हाफ में बैटिंग करता है, अगर सेकंड हाफ में बैटिंग करता है तो कहना मुश्किल है, फिर 50-50, है ना। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि आने वाले दिनों में 500 से ऊपर वीडियो मिलेगा। अभी विराट कोहली को मैंने डाला, उसको जरूर देखना। अभी मैं गूगल के डालूंगा वीडियो कि गूगल ने अपना नाम क्यों चेंज किया, उसको गूगल का पहला नाम क्या था, उससे गूगल ने अपना नाम चेंज क्यों किया। इस तरह से आने वाले दिनों में बहुत सारे न्यूमोलॉजी का वीडियो दूंगा, क्रिकेट से रिलेटेड, बिजनेस, जनरल, पॉलिटिकल, है ना। और मैंने चैनल भी अलग कर लिया है, पढ़ाई से रिलेटेड चैनल जो है न्यूमोलॉजी कोर्स से, वो अलग है, है ना, न्यूमोलॉजी सीखने का, वो अपना ABP ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पर जाइए, वहाँ लर्न न्यूमोलॉजी स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको कर दिया है, वो सीखिए, पढ़िए, अपना ही भला करिए, दूसरों को भी भला करिए, और आगे बढ़िए जीवन। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।